बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में, जिसमें मैं एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आपने बहुत सुना होगा स्टॉक मार्केट से 1000 के 10000, 10000 के 1 लाख, 1 लाख के 10 लाख ऐसे बनते हैं। पर दोस्तों क्या कोई कुछ स्टॉक ऐसा है जिसमें आज इन्वेस्टमेंट किया जाए, मान लो 1 लाख रुपये डालो कल को 1 करोड़ बना सके, इतना कुछ रिटर्न दे सके? जब आप स्टॉक खोल के देखते हो परफॉर्मेंस और उसके रिटर्न CAGR देखते हो तो आपको दिखता है 5 साल में इतने हजार रिटर्न, ऐसे स्टॉक हैं। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा स्टॉक है? जी हाँ दोस्तों, ये एक स्टॉक मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपका 1 लाख को 1 करोड़ बना सकता है आगे आने वाले 10 सालों में। ठीक है दोस्तों, स्टॉक का कारण क्या है और चीज़ें क्या हैं मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, 21,800, स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, छोटी कंपनी है। पर चीज़ देखो, ROCE और ROE 46.6%, 37.7%, मतलब मुंह में देख के पानी आ जाएगा, मन करेगा कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 1599, और ये स्टॉक मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ 900 के लेवल पे, 900-950 के लेवल पे। स्टॉक का नाम है दोस्तों दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और पिछले, मैं आपको हकीकत बताऊं तो जब ये मार्च के महीने में 400 के लगभग आया था, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, पर जैसे ही पैसा डबल हुआ, 20-25 हज़ार जैसे ही डबल हुआ, 800-850 पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और दोस्तों आज की डेट में स्टॉक 1600 रुपये चल रहा है, और इसमें आए दिन अपर सर्किट लगता रहता है, और जब मार्केट गिरता है तो बिल्कुल गिरता ही नहीं है। मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। दीपक नाइट्रेट जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, क्या बनाती है? देखो नाइट्राइट, नाइट्रोक्लोड, ये केमिकल के कुछ नाम है यार, ठीक है वो है, हम इसकी आगे की बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट, ये है पिछला जो मार्च का मंथ है, आप देखेंगे 400 के लेवल पे था ये स्टॉक मार्च में, और 1 साल में इसने, अगर किसी ने 50,000 रुपये लगाए होते तो वो आज के टाइम में 1 लाख रुपये हो गए होते। 6 महीने में आप देखोगे तो 6 महीने में ये था 800 के करीब यहाँ पे सेप्टेम्बर में, और आज है 1600। ठीक है, तो भी ये कितने हो गए होते हैं? 50,000, 1 लाख रुपए हो गए थे। और मैंने ये स्टॉक आपको दिसंबर में शुरुआत में ही SIP वाले स्टॉक में बता दिया था, ये जब भी इसमें दिसंबर के मंथ में 900 रुपए का भाव चल रहा था, और आज की डेट में 1600। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक दम रखता है 1 लाख को 1 करोड़? 10 साल मात्र दोस्तों, 10 साल बाद बात करूँगा ये स्टॉक में। आप अगर जितना पैसा आपने आज की डेट में लगा रखा है, और जो लेवल में अभी इस वीडियो को छोड़ के, मतलब स्किप मत करके देखिएगा, लेवल बताऊंगा जहां पे आपको इसको लमसम और ऐड करना है, ये स्टॉक दम रखता है दोस्तों पैसे को 100 गुना बनाने का। जरा इसकी क्वार्टर्स की बात कर लें, प्रॉफिट की बात कर लें, ये देखो June 2018 464, 461, जैसे कैसे कैसे बढ़ता चला गया, सेप्टेम्बर में 987, जून में 674, पर स्टॉक वो अच्छा है दोस्तों, जो मार्च 2020 में जो रिटर्न है ना, उसने दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में वो रिटर्न आपको दिखा दिया है। मतलब कोरोना का उसको 6 महीने का फर्क पड़ा, पर लास्ट में उसने 1235 देखो इसने, और मार्च वाले क्वार्टर में ये 1500 भी जा सकता है, इतनी तेजी से ये कंपनी जो है बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो आप, नेट प्रॉफिट 217 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में 170 करोड़, अब पीछे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते जाओगे 217 करोड़ का प्रॉफिट अब तक नहीं हुआ है इसको। सेल्स इसकी लगातार बढ़ती जा रही है 1235 करोड़, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है, अब ईयर ऑन ईयर की बात कर लें दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर 4230 जो मैक्सिमम था कंपनी मार्च 2019 में 2700, पर मार्च 2020 में 4230, और अब 3952 इस ईयर में अब तक हो चुका है, जिसमें मार्च वाला क्वार्टर एंडिंग अभी बाकी है। और अगर 200-250 करोड़ भी जो जैसे इसने पिछले क्वार्टर में दिया है, इस क्वार्टर में देती है, तो ये इस वाले ईयर ऑन ईयर इसको बीट कर देगी डिस्पाइट कोरोना वरोना जो भी ये मतलब रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अरे भैया तुम कहाँ खुल गए, 1054 करोड़ अब तक, पिछले वाले को इसने मार्च 2020 वाले को जो ईयर को था वो इसने इसी साल में अभी पार कर दिया है,
और 421 204 कितना छोटा, कंपनी एकदम से जंप आया है दोस्तों पिछले दो साल में, कंपनी में पिछले दो साल में एकदम से जंप आया है। तो अभी आप देख रहे हो 200-300 का स्टॉक आज 1600 के ट्रेड वैल्यू पे कर रहा है। CAGR 57, 91, 89 और एक साल में 237 करोड़, ROE 47%। ये स्टॉक ऐसा है दोस्तों, आपको करोड़पति नहीं, आपको अरबपति बना सकता है, अरबपति। ये देखो 853 करोड़ और नेट प्रॉफिट 658 करोड़, मतलब आखिरी में जो कंपनी के पास पैसा बचता है। हम कैश फ्लो भी एक बार देख लेते हैं। कैश फ्लो मार्च 2018 345 करोड़, मार्च 2020 में 338 करोड़ और मार्च 2021 का आना बाकी है। पर दोस्तों कंपनी के अंदर क्या कहते हैं दबा के इन्वेस्टमेंट, ये देखो प्रमोटर की होल्डिंग 45.69% अपने आप में बयान कर रही है कि फंडामेंटल कितना मजबूत है। FI की होल्डिंग 13.26%, DI की होल्डिंग 10%, रिटेलर अपने जो पब्लिक है 30.5%। इस स्टॉक में जब मौका मिले, जब आपको नीचे मिले, इसमें उस दिन खरीदते रहो, इसको SIP भी करते रहो दोस्तों। अब आ जाते हैं मेन, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल बताने के अलावा स्टॉक बताने के लिए आपको टेक्निकली भी उस स्टॉक को कवर करता हूं कि SIP के साथ साथ इस स्टॉक में नीचे किस लेवल पे आपको अलग से 10-10, 15-15 हज़ार रुपये डालने हैं। अब जो भैया आदमी ज़्यादा कमाता है, 4-5 लाख तक का अपना लेके चलता है, उसी को 10-15 हज़ार को 20-25 हज़ार रुपये लगा ले। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डेली चार्ट, 6 महीने का डेली का चार्ट पढ़ लेते हैं। ये देखो कैसे कैसे आए आए दिन ये अपर सर्किट मारता रहता है, यहाँ से ये कैसे जंप, यहाँ से ये कैसे जंप, मतलब एक एक 15-15-20 दिन आराम करता है, फिर कैसे एकदम उठा के मारता है। ये देखो दोस्तों, ये एक लेवल है 1100, ठीक है, उसके बाद ये एक लेवल है 1300। यहाँ पे कभी ये स्टॉक आपको मिले, आपको इसमें अलग से इन्वेस्टमेंट कर देनी है। 1400 मिले, अलग से पैसा डाल देना है। 1350 मिले, 1300 के लगभग मिले वहाँ पे, 1100 के लगभग मिले वहाँ पे, और एक आखिरी आप लेवल लिख सकते हैं, वो वीकली चार्ट पे कवर कर देता हूँ, जहाँ पे हर महीने खरीदते रहो, जहाँ पे फिर ये अलग मिले इसके बाद भी, तो आपको पैसा कैसे डालना है। जैसे इसमें ये लेवल एक बार जरूर आना चाहिए एज पर टेक्निकल, 1080 जब लेवल आए तो आपको इसमें डेफिनेटली वीकली चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और अब ये लेवल देखने को नहीं मिलेंगे, जहाँ मैं नीली लाइनें खींच रहा हूँ दोस्तों, नोट कर लेना, वर्स्ट टू वर्स्ट केस ये 700-750 यहाँ पे आना चाहिए, और जब आए तो इसमें दबा के पैसा डाल देना है। ये भी जब संभावना है जैसे कुछ मार जैसा कुछ हो जाए, अदरवाइज ये जो गिरावट 2-4 दिन आती है फिर ऊपर बढ़ जाती है, ये स्टॉक नीचे नहीं आता है, ये स्टॉक नीचे नहीं आता है, और इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है दोस्तों। 1200, 1080, 840, 850, 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 850
हजार रुपये डालते रहने हैं। ये स्टॉक अगर आज की डेट में जिस इंसान ने 1,00,000 रुपये लगा रखे हैं ना, अरे 10 साल बाद ये स्टॉक का रेट कम से कम भी 25,000 से 30,000। और डिक्सन एक साल पहले पता आप कितने का होता था? 3,500-4,000 का होता था। 3,500-4,000 का होता, डिक्सन आज 20,000 का है। स्टॉक का पैटर्न वैसा ही है दोस्तों, उसी की तरह दम भागने का मादा रखता है और एक दिन अतुल को क्रॉस कर जाएगा जिस स्टॉक। और अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो इसे चलना शुरू किया है, इसके दौड़ने की बारी आएगी जब ये 3,000-4,000 क्रॉस करेगा। और जिस दिन 7,000-8,000 इसने क्रॉस कर दिया, फिर ये उड़ेगा जैसे डिक्सन उड़ा है। दोस्तों ये स्टॉक को मत छोड़ो, इस स्टॉक को पकड़ो। ऐसे ही एक और स्टॉक मैंने ऐसा दिया है, मैं उसको दोबारा कवर करूंगा, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। ये वैसे स्टॉक है जो रॉकेट की तरह रिटर्न देना जानते हैं और रॉकेट की तरह ही कंपनी ग्रो कर रही है। अब एक चीज और देख लो आप, सबसे बात वाली, ये 70% मार्केट शेयर है इसका। सोडियम नाइट्राइट दोनों अलग अलग चीज़ें होती होंगी भाई, और नाइट्रोटोलियोसिस इन इंडिया 70%, और हाल फिलहाल में 17,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है और 30 कंट्री में इसके कस्टमर है जहां पे इसका व्यापार चलता है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी हो गई है दोस्तों। पिछले 2 साल में तो इसने छप्पड़ फाड़ के पैसा बना के दिया, और छप्पड़ फाड़ के सिर्फ रिटर्न स्टॉक मार्केट में मत छोड़ो, स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप फंडामेंटली चेक करोगे, कंपनी का बिजनेस चेक करोगे, तो आगे आने वाले 10 सालों की नंबर वन थीम केमिकल ही है। और केमिकल सेक्टर में इस स्टॉक को पकड़ो जो उभर रहा है, ठीक है। आरती इंडस्ट्री, अतुल उन सबको फेल करेगा, तभी मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अतुल को मैं, स्टॉक अच्छे हैं दोस्तों, पर मेरे पास जब उनसे भी अच्छा स्टॉक है
जो उनसे भी ऊपर जा सकता है, जो उनसे भी तेजी से रिटर्न दे सकता है, तो मैं उसी स्टॉक को पकड़ूंगा, जैसे कि दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप और ऐसे स्टॉक जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हो लिखिए, मैं उसको एनालिसिस करके दूंगा। इस स्टॉक पर नज़र रखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।